भाइयों बहनों, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं भी दुखी हूं। इसलिए दुखी हूं कि अगर भारत के संविधान को लेकर अगर पूरे देश के बहुजन उठकर खड़ा नहीं हुआ और अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ा, तो संविधान को लोग ऐसा बनाना चाहते हैं कि जैसे चूहा दूर की मिट्टी खोदते खोदते और नीचे की मिट्टी खोद करके निकाल लेता है और ऊपर की सतह छोड़ देता है, और जब दूर से आदमी देखता है तो देखता है कि तो बराबर जमीन है, लेकिन जब पांव पड़ता है तो जब पांव धंसता है तब पता चलता है यहाँ तो चूहा खुदा हुआ था, यहाँ तो नीचे है ही नहीं कुछ। ठीक उसी तरीके से हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान को लागू न हो, आरक्षण लागू न हो, इसके लिए आज तक आखिर क्या कारण है कि नहीं लागू हुआ संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जात जनजाति पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ी जाति को दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछड़ी जाति के लोगों को मात्र 5% आरक्षण का लाभ मिला, 22% आरक्षण का लाभ आज तक पिछड़ी जाति को नहीं दिया गया। यही स्थिति अनुसूचित जाति की है। अनुसूचित जाति का आरक्षण 22-23% है, लेकिन मिल कितना रहा है? क्या पूरी तरीके से लागू हो गया है? क्या आज तक पूरी तरीके से लागू हो गया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सभी जगह आरक्षण का कोटा उन्होंने दिया था, लेकिन क्या कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में क्या अनुसूचित जात जनजात पिछड़ी जात और महिलाओं का कोटा क्या पूरा हो गया? आज तक पूरा नहीं कराया गया, आज तक पूरा नहीं कराया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विभाग बनाए थे और विभाग में आरक्षण की व्यवस्था दिया था, और उस विभागों में भी आज तक वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, आज तक खाली पड़ी है, आज तक कोटा पूरा तक कराया, कोटा भी नहीं पूरा कराया गया। हमारे अनुसूचित जात जनजात महिलाएं नौकरी के लिए दर दर के भटक रहे हैं, लोगों के लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, लोगों के पास जमीन नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, लोगों के पास परिवार को चलाने के लिए अनुसूचित जात जनजातियों के साथ जो हो रहा है आप लोग को टीवी रेडियो अखबार के माध्यम से देखने को सुनने को पढ़ने को मिलता होगा कि झुग्गी झोपड़ी डालकर नदी के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, रोड के किनारे, पहाड़ के किनारे, तालाब के किनारे, जंगल के किनारे अपनी झुग्गी डालकर मजदूरी करके, प्लास्टिक बिन करके, सर पर मैला ढो करके, मरे जानवर का चमड़ा छील करके, दूसरे के गुलामी करके अपनी दो जून की रोटी चलाने के लिए हमारा अनुसूचित जात अंदर के ठोकर खा रहा है। आज भी हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को पूरी तरीके से अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा नहीं मिला।